हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी के रिलेटेड जितने भी हमने न्यूमेरिकल थे, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल हमने लास्ट वीडियो में किए। तो बच्चों, आज भी हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो कि एनसीईआरटी से संबंधित है। ठीक है, तो उसमें देखिए हमारा न्यूमेरिकल क्या है। ए पुलिस वैन ऑन हाईवे विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फायर ए बुलेट एट ए थीफ कार। पुलिस वैन है, हाईवे पर जा रही है, कितनी स्पीड के साथ जाती है? 30 किलोमीटर पर आवर के साथ, और बुलेट को फायर करती है थीफ कार पर। ठीक है, और जो कि थीफ कार है वो स्पीडिंग अवे विद ए स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर आवर। देखिए, अगर हम इसको शो करें, ये पुलिस वैन है, ठीक है, वी, और वेलोसिटी है इसकी, वी की, इसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चों? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसी में ही जो पुलिस वैन में ही जो पुलिस वाला है वो बुलेट फायर करता है। ठीक है, बुलेट फायर करता है, तो बुलेट की वेलोसिटी कितनी है? बी, वो कितनी है? देखिए, इफ द मजर स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150, ये 150 मीटर पर सेकंड की था। ठीक है, तो व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीप कार? जो थीप कार है, जो कि इसके आगे जा रही है, ये थीप कार है। ठीक है, तो ये टी थीप कार है, ये वैन है, पुलिस वैन। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? ये कितनी वेलोसिटी के साथ जा रही है? बी टी, वो है हमारे पास कितनी है इसकी? 192 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों तीन वेलोसिटी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा? सबसे पहले हमारा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि कितनी स्पीड के साथ जो बुलेट है वो थीफ कार को हिट करेगी। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन क्या है कि हमारी वेलोसिटी हमने निकालनी, किसकी? बुलेट की निकालनी विद रिस्पेक्ट टू थीफ कार। वेलोसिटी क्या निकालनी हमने? बुलेट, वेलोसिटी ऑफ किसके निकालनी? बुलेट विद रिस्पेक्ट टू, किसके विद रिस्पेक्ट टू? थीफ कार। ठीक, इसको हमने टी मान लिया, और ये हमारा क्वेश्चन है, ये निकालना है। समझ में आया? ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल पहले समझ में आना चाहिए, तभी मतलब के क्वेश्चन आसान हो जाएगा उसको करना। तो अब देखिए, ये वेलोसिटी क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला पहले भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया। तो ये क्या है? वी बी, हम क्या लिखेंगे इसको? वी बी माइनस वी टी। ठीक है बच्चों, तो वी बी ये रिलेटिव वेलोसिटी, और ये क्या है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, जो कि यहां बताने की जरूरत नहीं होती कि ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, समझ गया? यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि हम निकालना क्या है। उससे पहले हम क्या करते हैं, देखिए ये हमारी यूनिट क्या है? किलोमीटर में है। ये भी हमारी यूनिट किसमें है? किलोमीटर में है, और ये मीटर पर सेकंड में है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको ही हम क्या करते हैं, सेम यूनिट में कर लेते हैं। तो देखिए, हम यहां अगर हम बी वी लेंगे, ये रिलेटिव वेलोसिटी पड़ेगी किसके साथ? देखिए, वैन, वैन की वेलोसिटी है। अब वैन कहां चल रही है? ग्राउंड पे चल रही है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे वी जी इज इक्वल टू कितना? 30 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर। ठीक है, तो किलोमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा इसको? हम 100, ये मीटर पर सेकंड में अगर बदलेंगे तो सेकंड कितना आ जाएगा बच्चों? ठीक है, इसको हम छोटा करें, और ये आ जाएगा 25/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारी वेलोसिटी आ गई वैन। ठीक है, पुलिस वैन की, ये फर्स्ट वेलोसिटी है। सेकंड किसकी है? ये देखिए, ये वेलोसिटी किसकी है? थीप कार की है। तो थीप कार भी कहाँ है? ग्राउंड है, तो
ये भी क्या होगी दृष्टि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये कितनी है 192, इसको भी हम क्या करेंगे 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा बाय 3, ये आ गया मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। ये हमारी देखो तीनों वेलोसिटी हमारी क्या होगी सेम यूनिट में होगी, ये भी मीटर पर सेकंड में है, ये भी मीटर पर सेकंड में होगी और ये भी मीटर पर सेकंड में। अब हम क्वेश्चन करते हैं, देखिए इसमें थोड़ा आसानी हो जाती है कि हम यूनिट चेंज कर सकते हैं। अगर आप यूनिट बिना चेंज करो इनको किलोमीटर में रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम नेक्स्ट एक और मैं एक न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा आपको, उसमें हम यूनिट को नहीं चेंज करेंगे डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए VBT यानी कि बुलेट यह हमें निकालनी है, तो ये हमारी VB यानी कि क्या है बुलेट की है, ये तो हमें पता नहीं है क्योंकि बुलेट कहां से फायर हो रही है वैन से, ठीक है। बुलेट कहां से फायर हो रही वैन से फायर हो रही है, तो ये जो हमारी वेलोसिटी है ये वेलोसिटी क्या बनेगी VBV बनेगी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू वैन है ये पुलिस वैन, ठीक है। तो ये है जो कि ग्राउंड है, तो ये हमें पता नहीं है, ये हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। माइनस वेलोसिटी ऑफ थी कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हमारे पास है, ये कितनी 160/, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब ये निकालने के लिए देखिए ये अगर हम निकाल लें, ये कहां से निकलेगी, ये जी है विद रिस्पेक्ट टू, हमारे पास दो वेलोसिटी है, ठीक है। तो अगर हम इन जो दे रखी है वो ही ले लेते हैं, देखिए ये हमारे पास दी हुई है, तो हम यहां अगर लिखे वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू वैन वो हमारे पास है, तो हम कैसे लिखेंगे उसको VB - VV, ये क्या है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो ये दे रखी है कितनी वेलोसिटी है इसकी, सेम डायरेक्शन में है तो यहां पर कोई भी साइन का प्रॉब्लम नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा 150 और VBG हमने निकालनी है, तो यहां से VBG ये क्या है VBG हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ वैन, ठीक है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो गया 25/3। तो बच्चे यहां से हमारा क्या निकल जाएगा VBG इज इक्वल टू 150 + 25/3, तो LCM अगर हम लेंगे तो ये आ जाएगा 475/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये आ गया, उसके बाद ये हमारी वैल्यू आ गई, अब इसमें वैल्यू रखते हैं, ठीक है, समझ रहे ना, ये हमारी वैल्यू जो हमने निकाला यही निकालनी ना, तो हम यहां लिखेंगे VBT इज इक्वल टू ये कितना आया 475/3 -160/3, तो LCM हमारा आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 5/1/3, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे बच्चों हम, कितना आ जाएगा 105 मीटर पर सेकंड, ये हमारी वेलोसिटी आ जाती है वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है विद रिस्पेक्ट टू थीक कार, कि जब इस वेलोसिटी के साथ यानी कि जो बुलेट है वो थीप कार को हिट करेगी, ठीक है ये हमारा आंसर, ठीक है बच्चों समझ में आया। सबसे पहले तो हमें हमारी स्टेटमेंट समझ में आई, ठीक है, स्टेटमेंट हमारे समझ में आ गई, हमने पता चल गया कि क्या क्या हमने निकालना है और क्या क्या हमारे पास है, ठीक है। देखिए जो जो था हमारे पास वो हमने लिख दिया, ये क्या है पुलिस वैन है और ये क्या है ठीक कार है, दोनों मूव कर रहे हैं, ये कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ये कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, फिर हमने जो बुलेट फायर की उसकी वेलोसिटी भी दे दी, इतना हमारे पास था, तो हमने जो निकालना पहले वो लिखा, ठीक है, उसके बाद जो जो हमारे पास है निकालना आता रहा तो हमें निकालते गए, तो ऐसे आपने ये सभी न्यूमेरिकल करने, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करते हैं, टू टाउन ए और बी आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस विद ए बस लिविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट, हर टी मिनट के बाद बस निकलती है ए से बी की तरफ, ठीक है, और ए और बी है दो टाउन है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं बस सर्विस के साथ, ठीक है,
तो और एक मैन है साइकिलिंग विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ मूव करता है इन द डायरेक्शन ए टू बी, जिस डायरेक्शन में बस जाती है। वो क्या नोटिस करता है कि बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन, भी जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, वो मूव करता है ए टू बी डायरेक्शन में। वो क्या देखता है कि बस है जो हर एक 18 मिनट यानी कि 18 मिनट के बाद क्रॉस करती है, उसको पास करती है, ठीक है 18 मिनट के बाद। जैसे ये साइकिल वाला है और ये बस है, तो जैसे ही पीछे से एक बस आई तो ये बस अगर क्रॉस कर गई यहां से निकल गई तो तब उसने देखा 18 मिनट लगे हैं। फिर दूसरी बस आई, दूसरी बस भी फिर यहां से निकली तो तब भी कितना टाइम लगा, 18 मिनट लगा, ठीक है किस तरफ जाने में, ए टू बी जाने में। सेकंड क्या है, 18 मिनट इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन यानी कि जिस डायरेक्शन में वो चलता है, एंड एवरी 6 मिनट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और अरे एक 6 मिनट के अपोजिट डायरेक्शन में जाती है बस, पहले ए टू बी जाती है, ए शहर से बी शहर की तरफ जाती है बस, फिर वही बस की जाती है बी से ए की तरफ जाती है, तो तब कितना टाइम में क्रॉस करती है उसको साइकिल वाले को, वो करती है 6 मिनट में, ठीक है। तो हमने निकालना क्या है बच्चों, व्हाट इज द पीरियड ऑफ टी ऑफ बस सर्विस, बस सर्विस का टाइम पीरियड निकालना है, कितने टाइम के बाद बस निकल रही है, कितने टाइम के बाद बस स्टैंड से यानी कि ए टाउन से बस निकलती है, ठीक है विद व्हाट स्पीड बस प्लाई ऑन द रोड, और हमने उसकी स्पीड भी निकालनी कितनी स्पीड के साथ बस निकलती है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ए और बी, ये देखिए दो टाउन है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां से बस निकलती है, ठीक है बस की वेलोसिटी अगर हम मान लें लेफ्ट वेलोसिटी ऑफ बस वो हमने मान ली वी, ठीक है 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा जी वेलोसिटी कितनी है इसकी, वी है बस की, और उसके बाद फिर एक और बस आती है, फिर एक और बस आती है, यानी कि जैसे ये बस आगे निकलती है तो दूसरी निकल जाती है, ये बस आगे निकलती है तो तीसरी निकलती है, तो अरे एक कितने मिनट के बाद, 18 मिनट के बाद, ठीक है। और यहां ये कौन ऑब्जर्व करे इसको, ये साइकिल वाला, ये साइकिल वाला है, ठीक है ये साइकिल वाला है, तो साइकिल की जो वेलोसिटी है बी सी ये कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है तो ये भी उस सेम डायरेक्शन में मूव करता है। बस की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, बस की डायरेक्शन पहले क्या है ए टू बी, ठीक है बच्चों, और साइकिल की डायरेक्शन क्या है वो भी ए टू बी है, समझ में आया, ये इसको ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो अब यहां टाइम कितना है, जब टाइम की बात अगर हम करें तो ये अगर अभी हर एक 3 मिनट के बाद, हर 3 मिनट के बाद बस वहां से निकलती है, तो ये भी टी टाइम में निकली है, तो ये भी टी टाइम में निकली है, ठीक है यहां, और ये भी टी टाइम में निकली है, तो इन इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी क्या है सेम है, ठीक है टाइम पीरियड सेम है, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या है सेम है, तो डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, यहां अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस एस इज इक्वल टू वी टी, एस इज इक्वल टू वी टी, वेलोसिटी क्या है सबकी कांस्टेंट है, हमें कितनी मान ली इसको वी मान ली, ठीक है और ये कितना जगह वी, और टाइम भी कांस्टेंट है, अरे कितना टी टाइम के बाद बस लीव करती है तो ये होगा टी, तो इतना डिस्टेंस यानी कि इस बस से लेकर इस बस तक के बीच का डिस्टेंस और इस बस से लेकर इस बस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, सेम होगा ना, ठीक है यहां ये मतलब समझने वाली बात है कि देखिए इस बस की वेलोसिटी कितनी है वी है, इसकी भी वेलोसिटी कितनी है वी है, इसकी भी वेलोसिटी कितनी है वी है, ठीक है सेम टाइम में निकल रही है,
तो टाइम कितना होगा, टी हो गया, टी मिनट, टी मिनट, ठीक है। तो डिस्टेंस भी क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहां इतना, यहां इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, वीटी है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, वीटी है। तो और जितनी भी मतलब के एक बस के बाद दूसरी बस और उसके बाद तीसरी बस जैसे ही मतलब के वहां से निकलेंगी तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो वो कितना है हमारे पास, वीटी। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया। अच्छा, जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कवर होता है, ये डिस्टेंस कवर किस वेलोसिटी के साथ होगा, क्योंकि इस डिस्टेंस को कौन ऑब्जर्व कर रहा है, साइकिल वाला, साइकिल वाला देख रहा है ना, अभी कितने मिनट के बाद जाती है बस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस कवर होता है, जब भी दो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं और डिस्टेंस कवर होता है, तो बच्चों जो डिस्टेंस कवर होता है वो रिलेटिव वेलोसिटी के कारण होता है, ठीक है। वो किसके कारण होता है, रिलेटिव वेलोसिटी के कारण होता है। तो यानी कि जो ये वेलोसिटी है वो क्या है, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी है, क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो अगर हम यहां से डिस्टेंस निकालें, देखिए हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ये तो डिस्टेंस क्या है, बस इसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हम ये डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना है हमारा, एस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये जो डिस्टेंस है वो कितना है बच्चों, वीटी, बस इसके बीच का डिस्टेंस वीटी, ये कितना आ गया, वीटी। और ये वेलोसिटी क्या है, क्योंकि ये डिस्टेंस किसके कारण कवर होया, किस वेलोसिटी के कारण कवर होया, रिलेटिव वेलोसिटी के कारण, ठीक है। और ये क्या है, वीबीसी। और रिलेटिव वेलोसिटी किसकी है, किसके साथ है, साइकिल के साथ है, ठीक है, क्योंकि साइकिल भी मूव कर रही है और बसेस भी मूव कर रही है, इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी के साथ ये डिस्टेंस कवर होता है, यहां समझने की बात है, ठीक है। और इनटू टाइम, कितने टाइम, क्योंकि ये टाइम देख रहा है, अब ये क्या देख रहा है, साइकिल वाला, के हर एक 18 मिनट के बाद, हर एक 18 मिनट के बाद मतलब बस उसको क्रॉस करती है, पास होती है, ठीक है। तो ये टाइम है, पासिस का टाइम है, तो ये कितना है, 18, ठीक है बच्चों, समझ में आया। देखिए मैं दोबारा से आपको बताता हूं, पहले हमने क्या कर दिया, वेलोसिटी मान ली हमने वी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये वेलोसिटी क्या है, एक बस की वेलोसिटी है, वी मान ली हमने, और टाइम टी के बाद, सेम टाइम के बाद क्या होती है, वो लीव करती है ए टाउन से बी की तरफ, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, कॉन्स्टेंट रहेगा, जितना टाइम यहां, जितना डिस्टेंस यहां, उतना डिस्टेंस यहां, तो वो डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, v इंटू टी, ठीक है, समझ में आया। सेकंड, अगर हम देखें भी कितना जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये वाला जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, वो डिस्टेंस किस वेलोसिटी के साथ कवर हो रहा है, ठीक है, क्या इस अकेले की के साथ हो रहा, बस की वेलोसिटी के साथ हो रहा, या साइकिल के साथ, या किसी दो, या दोनों के साथ। तो जो डिस्टेंस कवर होता है जब, क्योंकि यहां पर हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, कि वैन भी मूव कर रही है, ठीक है ना, यानी कि जो बस भी मूव कर रही है और साइकिल भी मूव कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, तो हम उस टाइम में क्या देखेंगे बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे। तो ये वेलोसिटी क्या हमारी, रिलेटिव है। ये टाइम क्या है, भी कितने टाइम में पास हो रही है बस, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी क्या है, क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं, ये साइकिल भी मूव कर रहे हैं और ये बस भी मूव कर रही है, बच्चों दोनों मूव कर रही हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है हमारी, वीबीसी। तो हम इसको ठीक लिखेंगे, तो ये कितना आ गया, वीबी माइनस वीसी, ठीक है, और इंटू 80 मिनट लिखेंगे यहां, ठीक है, क्या लिखेंगे, समझ में आया। तो यानी कि हमारे पास वी टी कितना आ जाएगा, अच्छा साइकिल की, साइकिल कहाँ है, ग्राउंड पे मूव करे, तो ये क्या है, ठीक है, ये हमारे पास कितने है, 20। तो ये हो गया वी बी माइनस 20 किलोमीटर पर आवर और इंटू 80 मिनट, समझ में आया। तो एक तो इक्वेशन हमारी ये बन जाती है, ये इक्वेशन कब बनती है, जब व्हेन, यहां लिख लिया हूं,
वन बस गोज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए से बी तक। अब फिर क्या हो रही के बस वहां से लीव करती है बी से वापस आती है, तो जब बस मूव करती है अब ऐसे आती है, बस की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, साइकिल वाला उसी डायरेक्शन में जा रहा, तो अब ये बस आई है पहली, अब पहली जब यहां आएगी तो दूसरी बस निकल जाएगी, दूसरी यहां आएगी तो तीसरी बस निकल जाएगी, तो यहां भी क्या है दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों vt, यहां भी क्या होगा vt, तो यही डिस्टेंस को हम शो करेंगे। अब यहां लिखेंगे फ्रॉम b टू a में अगर देखें तो अब ये डिस्टेंस हमारे किसके इक्वल आएगा, अब यहां वेलोसिटी कौन सी लेंगे हम, यहां क्या था bbcd थी, तो यहां बी साइकिल ऑब्जर्व कर रहा है, साइकिल वाला जो ऑब्जर्व कर रहा है इस बस को, जबकि बस अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे vcb इनटू यहां कितना टाइम लग रहा है, देखो जब वो अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो तब कितना टाइम में पास करता है उसको साइकिल वाले को, यहां साइकिल वाला देख रहे अभी ये बस मेरे को जितनी भी बस यहां से निकल रही है वो अरे एक बस मेरे को कितने टाइम में पास कर रही है, ठीक है, जैसे ये साइकिल के नजदीक जाए तो 6 मिनट में, ठीक है, और ये कितने मिनट में करी थी 18 मिनट में, तो यहां क्या लिखेंगे 6 मिनट, ठीक है, यानी कि हम क्या लिखेंगे इसको वी सी माइनस वी बी। अब वी बी क्या है बच्चों, बस की वेलोसिटी है तो बस अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम क्या लिखेंगे यहां माइनस शो करेंगे, ठीक है, तो इनटू क्या आ जाएगा 6, तो हमारे पास कितना आ गया वी सी, इसकी वेलोसिटी कितनी है 20 और माइनस माइनस प्लस वी बी इंटू 6 मिनट, ठीक है बच्चों, ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन, समझ में आया, तो हमारे पास देखिए आगे हमारा क्या है, हम सेकेंड इक्वेशन है जैसे मैथमेटिक्स में हम करते थे वैसे हम क्या करेंगे, दोनों हमारी क्वांटिटी क्या है vt के इक्वल है, ये भी vt को इक्वल है, तो हम क्या करेंगे हम इनको कंपेयर कर देंगे, ठीक है, कंपेयर करके हम क्या करेंगे एक क्वांटिटी हमारी निकल जाएगी, क्योंकि हमने दो क्वांटिटी निकालनी, दो क्वांटिटी कौन कौन सी निकालनी है देखिए हम यहां कर लेते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आप पहले उतार लें इसको, ठीक है, पॉज करके उतार सकते हैं, तो यहां अगर हम देखें करें तो कंपेयर करेंगे हम इसको, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 इक्वेशन हमारी क्या है ये है देखिए वी बी माइनस 20 इंटू 18 इज इक्वल टू 20 प्लस बी बी और इंटू 6, ठीक है, ये भी मिनट है और ये भी मिनट है, देखिए इस क्वेश्चन में हमने कोई भी चेंज नहीं की डायमेंशन, यूनिट हमने चेंज नहीं किया है, तो यहाँ किलोमीटर पर आवर चल रहा है, ठीक है, और जबकि हमारा टाइम यहाँ मिनट में आ गया, तो इसको कंफ्यूजन में नहीं लेना, आराम से देखिए यहाँ पर ये मिनट से मिनट कैंसिल हो जाता है, उसके बाद हम वेलोसिटी को जो हमारा डायमेंशन का रूल है तो वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ मान लिया, अगर देखेंगे उनकी डायमेंशन तो हम वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ ये टाइम की डायमेंशन हमारी खत्म हो जाती है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, ये कितना आ गया 3 और ये आ गया 3bb और माइनस 60 इज इक्वल टू 20 प्लस बी, अब हमारी वेलोसिटी का ही रह जाता है, तो वेलोसिटी हमारी किसमें किस यूनिट में चल रही है किलोमीटर पर आवर में चल रही है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करो बच्चों, ये कितना आ गया 3bb और ये bb हमारे पास आ गया 2bb और ये 60 हो गया हमारा 80, ठीक है, तो bb इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, तो हमारी वेलोसिटी क्या आई, ठीक है, बस की वेलोसिटी क्या आई है 40 किलोमीटर पर, समझ में आ बच्चों, तो ये बस की वेलोसिटी आ गई स्पीड, ये देखिए ऑन व्हाट स्पीड है बस इज फ्लाइंग द रोड, ठीक है, अब हमने टाइम निकालना है,
तो टाइम निकालने के देखिए दो थे हमारे पास, एक इक्वेशन ये पढ़ लिया, एक इक्वेशन ये पढ़ लिया। अगर एक वेरिएबल का पता है हमने, दूसरे का निकाल लेंगे हम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो किसी में भी वैल्यू रख देते हैं। तो यहां यहां भी देखिए ये जो वेलोसिटी है, एक बार मैं दोबारा बता दूं, ये वेलोसिटी क्या है, बस की वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी किसकी है, बस की वेलोसिटी है, वी वी है। तो कभी यहां कंफ्यूज करें तो आप क्या कह रहे हैं, इस वी बी की वैल्यू इक्वेशन में रख दे, कोई सी में भी रख सकते हैं आप, पहले में रखो चाहे दूसरे में, ठीक है। तो अगर हम इसमें रखें तो ये इक्वेशन अगर हम लिख ले यहां, बी बी टी इज इक्वल टू 20 प्लस वी बी इंटू 6 बी, ठीक है। तो वी बी कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम हमने निकालना है बच्चों, ठीक है, समझ में आया। और ये अगर 20 प्लस वी बी कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर और 6 मिनट, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 60, ये यहां लिखेंगे हम, टाइम निकाल लेंगे, टाइम टी इज इक्वल टू ये आ गया 60 किलोमीटर पर आवर इंटू 6 मिनट, ठीक है। और ये कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर, ये देखो यूनिट है, यहां कट गई, समझ रहे ना, यूनिट से यूनिट कट गई। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा कितना का, 2 × 4, ठीक है, ये आ गया। और टाइम हमारा कितना का बच्चों, 3 × 3। अब हमारे पास यूनिट किसकी बची है, मिनट, यानी कि जो टाइम क्या है, 9 मिनट है, ठीक है, समझ में आया। तो 9 मिनट, ये टी टाइम कौन सा, ये टी टाइम है भी कितने टाइम के बाद बस क्या है, लीव कर रही है, ठीक है। ए टाउन से बस कितने टाइम के बाद लीव कर लिया है, जो हमने टी टाइम माना था, ठीक है, क्वेश्चन में जो टी टाइम देंगे तो वो निकालना था, वो कितना है हमारा, 9, यानी कि अरे एक 9 मिनट के बाद बस स्टेशन से निकलती। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, एनसीईआरटी बुक में है, ठीक है। और इसके बारे में अगर और डिटेल मान लिया देखनी है तो लास्ट वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें काफी सारे मैंने एग्जांपल न्यूमेरिकल कराए हुए, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एक और हम छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए बच्चों ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक जेट एयरप्लेन है, वो ट्रेवल करता है 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, ठीक है। और जो उसका धुआं है, वो धुएं की जो स्पीड है वो है 1500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डायरेक्शन देखिए, ये जेट एयरप्लेन की डायरेक्शन ये है, अगर हम इसको पॉजिटिव माने तो ये डायरेक्शन क्या होगी, जो उसका कंबस्टन होगा, धुआं निकलेगा जो, वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में होने से ये क्या होगा हमारा, माइनस में होगा, ठीक है। इसकी डायरेक्शन हम पहले ही दिखा देते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, अच्छा जो स्पीड है कितनी है उसकी, 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट प्लेन। अब ये इन्होंने दे दिया, देखो अगर ना दिया होता तो हम कुछ सोचते। तो यहां पर ये इन्होंने पहले ही दे दिया कि जो ये स्पीड है, स्मोक है जो, ठीक है, जो धुआं निकला हुआ उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 1500 किलोमीटर है पर, और ये क्या है, रिलेटिव टू द जेट प्लेन है, ये जेट प्लेन है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, एसजे, यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्मोक रिलेटिव टू द जेट प्लेन, वो कितनी हमारे पास, ठीक है, समझ में। और ये जो प्लेन है वो मूव कर रहा है, अगर इसके बारे में इसका दिया ही है अभी किसके विद रिस्पेक्ट टू, तो हमने ये मान लेना है, ठीक है। तो ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, इसको मतलब के कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास दो प्रकार की वेलोसिटी है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो देखिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लैटर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अब यहां ऑब्जर्वर है सपोज करो, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू, मैं ऑब्जर्वर कहा है, ग्राउंड में, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। हमने क्या निकालना है, लैटर की स्पीड निकालनी है, और वो क्या है,
स्मोक, ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो हमने क्या निकालना, वी एस जी निकालना है। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्मोक, ठीक है, इसी को ये, इसका मतलब क्या है, लेट या क्या 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 बोल रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये हमें निकालना है, ठीक है, समझ में आया क्या निकालना, ठीक है। अच्छा, जो दिया हुआ है वो अगर हम देखें, दिया हमारे पास दे रखा है, तो ये अगर हम इसको लिखें वी एस जे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, वी एस माइनस वी जे, ठीक है। तो ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, ठीक है, वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है, देखिए ये तो दे रखा है, ये दिया है कि कितना है, माइनस 1500 किलोमीटर पर आवर, ये निकालना है, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन, वी एस जी माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट एयरप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमारे पास देखिए, हम इस डायरेक्शन का पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है, तो ये होगी 500 किलोमीटर पर। तो यहां से बच्चों हम ये निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, वी एस जी इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा इधर, ठीक है, तो ये आ गया 1000 किलोमीटर पर। इस तरह के क्वेश्चन है बच्चों, देखिए आपके बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल हमने लास्ट वीडियो में कराए हैं, कुछ ये न्यूमेरिकल कराए हैं, बच्चों बिल्कुल ध्यान से इसको समझ के फिर करना, ठीक है, और अपने आप ही आप टेस्ट ले सकते हो, पॉज करके उसको देख सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन लिखे हुए हैं। बस एक ही बात आपको मैं कहना चाहता हूं कि जो भी न्यूमेरिकल होते हैं उन न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आपके समझ में आनी चाहिए, तभी मतलब क्वेश्चन क्या आएगा वो आपके लिए आसान होगा, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंसेप्ट था हमारा, उसके हमने काफी सारे न्यूमेरिकल कर लिए हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।